हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, आज की क्लास में हम आपको मध्य पाषाण काल को पढ़ाएंगे। मध्य पाषाण काल, अब इसके अन्य नाम, इसके अन्य कितने नाम से ये जाना जाता है ये पहले जान लीजिए। इसी को, मध्य पाषाण काल को ही संधि काल, संक्रमण काल, फलक संस्कृति, मेसोलिथिक एज इंग्लिश में कहेंगे, माइक्रोलिथिक एज कहेंगे, इसी को हिंदी में लघु औजारों का काल भी कहेंगे। लघु औजारों का काल या लघु पाषाण काल भी कहेंगे। इतने नामों से यह संस्कृति जानी जाती थी। यह संस्कृति मध्य पाषाण काल की आखेटक थी व पशुपालक थी। यहाँ के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग क्या थे? आखेटक व पशुपालक। आखेटक व पशुपालक थे। और इस काल का जो समय था, पच्चीस हजार ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, विद्यार्थियों यहां से प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया, तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और समय में पूरा इसका सही समय ऑप्शन में नहीं दिया था। अच्छा, दिया क्या था? तो इसका समय जो दिया था, 8,000, 6,000, 1,000, 2,000, इस तरीके से इसका ऑप्शन दिया गया था। तो ऐसी कंडीशंस में यदि ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं, तो हमारा जो निकटतम उत्तर होगा वह इससे कम होगा। अब इससे कम होगा तो कितना कम होगा? बहुत कम नहीं होगा, 100-200 वर्ष ही कम होगा। अब यहाँ के मानव की क्या उपलब्धियाँ थी ये पढ़ लेंगे। तो मानव की उपलब्धियाँ मध्य पाषाण काल के, मानव की उपलब्धियां, क्या उपलब्धियां थी ये देख लिया जाए। तो यहां के मानव ने
जो औजार पुरापाषाण काल में खोज लिए गए थे वे औजार सुडौल हो गए। सुडौल औजार पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत और औजार में एक नया औजार धनुष बाण। धनुष बाण का यहाँ पर पहली बार प्रयोग हुआ और अंत्येष्टि क्रिया भी शुरू हो गई, मतलब शवाधान भी शुरू हो गया। शवाधान या इसी को बोलते हैं अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया शुरू हो गई यहाँ पे और पशुपालन के जो साक्ष्य थे वे साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से व राजस्थान के बागौर से इन दोनों स्थान से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। इतना आपको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ना है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि मध्य पाषाण काल कम से कम 6 से 7 पेजों में होता है, जो कि पता नहीं क्या रहता है उसमें, हमने तो कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, लेकिन आपको इतने की ही आवश्यकता है। अधिक बहुत ज़्यादा मध्य पाषाण काल हो, चाहे पूरा पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हम मेन मेन पॉइंट पर ध्यान दे लें, उनको लर्न कर लें, बस उतने से ही हमारा परीक्षा में काम हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको इन क्लासेस को पाने के लिए आर्ट गंगा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको हमारा नया बैच, जो कि तैयारी जीत की शुरू हो चुका है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और हमारे यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं, बहुत बेहतरीन पुस्तकें हैं, और तैयारी जीत की क्लास और पुस्तक, इन दोनों के लिए आप हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि विद्यार्थियों यह परीक्षा प्राविधिक कला वालों के लिए, जिसके पास सिर्फ प्राविधिक ड्राइंग है, प्राविधिक कला है, उनके लिए यह परीक्षा अंतिम परीक्षा होगी 2022 की। और इस अंतिम परीक्षा में ही आप सफलता हासिल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आने वाली परीक्षाओं में आयोग ने भी एकदम, सरकार ने भी एकदम स्पष्ट कर दिया है कि TET अनिवार्य हो जाएगा।
और टीईटी अनिवार्य हुआ नहीं कि समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अभी हमें सिर्फ एक पेपर ही करना होता है जो कि संबंधित विषय से होता है और कुछ भी नहीं, और बहुत आसान है। एक बार की मैं बात बताऊं आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे विषय में कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्टेड टीचर, तो मैं परीक्षा दे रही थी और उस समय पेपर बहुत इजी था, लेकिन मैंने बहुत गलत किताबों से पढ़ा था और प्रश्न को 3-4 प्रश्न ऐसे हूबहू आ गए जो कि एकदम सेम गलत पढ़े गए थे, और करके आई मैं। तब मैं नहीं जानती थी किताबें भी गलत होती हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत लॉस होता है जब हम सही दिशा में सही कंटेंट के साथ नहीं पढ़ते हैं। आपने तो देखा ही होगा, बहुत से स्टूडेंट परीक्षाओं को देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट 10-10, 20-20 साल उसी परीक्षा को क्लियर करने में लगा देते हैं। जानते हैं उसका कारण? उसका एकमात्र कारण है सही दिशा निर्देशन में पढ़ाई ना करना। सही दिशा निर्देशन में पढ़ाई ना करने के कारण ही ऐसा होता है। क्या वो पढ़ते नहीं है? पढ़ते बहुत हैं। पढ़ते बहुत हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का जो, या उनके कंटेंट का जो भी दिशा है, वो सही नहीं होती है। बस यही कारण है, यदि दिशा सही नहीं है तो सिलेक्शन होने में बहुत समय लग जाता है। अच्छे कंटेंट और पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए आप पढ़ाई करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मैंने आप अपने बारे में भी बता रखा है विद्यार्थियों कि मैं एक नॉर्मली हाउसवाइफ थी, लेकिन बस किसी के मोटिवेशन से, किसी महिला के मोटिवेशन से मैं आज यहाँ पर पहुँची। इसका श्रेय जो है वो हमारी बड़ी बहन को जाता है, जिनके विषय में मैंने आपको बताया भी है। तो आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, जिस चीज की इच्छा रखता है वो पा सकता है, बशर्ते हमारी लगन कितनी है उस काम के प्रति, इस पर डिपेंड करता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और एक बात, परीक्षा जो बार बार पूछी जा रही है कि कब तक होगी, तो परीक्षा जून से जुलाई के बीच में हो जाएगी, एकदम श्योर है ये। जून जुलाई के मिड में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। इसलिए खूब पढ़ें और इसी परीक्षा में सफलता हासिल कर लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।